हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका प्रजापति फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर टूडेज वीडियो लेक्चर सीरीज. सो इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट रेडियो बटन कंट्रोल्स एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेकबॉक्स कंट्रोल. सो ये वाला जो हमारा चेकबॉक्स कंट्रोल है वो हमारी GTU की एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये वाला क्वेश्चन बारी बारी से GTU की एग्ज़ाम में आस्क होता है. सो वैन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन GTU एग्ज़ाम देन यू हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर द चेकबॉक्स कंट्रोल. सो इट रिप्रेजेंट अ विंडोज चेकबॉक्स. हियर वन इज अ property table and events table. So you have to first of all write these types of description line for the checkbox control. Then you have to draw this type of property table for the checkbox control. And next one, this one is event table you have to draw for the checkbox control. So which type of property used for checkbox control? So first of all, checked align. Second one is checked and the third one is थ्री स्टेट. सो फर्स्ट वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है चेक अलाइन, उसका डिस्क्रिप्शन है गेट्स और सेट्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द चेक मार्क ऑन द चेक बॉक्स. उसके बाद ये वाली जो हमारी चेक्ड है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी चेकबॉक्स कंट्रोल के लिए, जो हमने रेडियो बटन में भी पहले यूज़ की है. सो सेम यहाँ पे भी हमें चेक इवेंट जो है हमारी वो चेकबॉक्स कंट्रोल के लिए वेरी यूजफुल है. सो चेक्ड वाली जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्क्रिप्शन है गेट्स और सेट्स ऑफ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड. देन थ्री स्टेट वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है गेट्स और सेट्स ऑफ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर और नॉट अ चेकबॉक्स शुड अलाउ थ्री चेक स्टेट्स रादर दैन टू. ये वाली हमारी जो इवेंट है सेम एज अ रेडियो बटन कंट्रोल्स की है, ठीक वैसे ही है. सो अब हम उसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने राइट डाउन किया हुआ है टेक अ थ्री चेक बॉक्स एंड टेक अ वन बटन. सो आप लोगों को इस तरह से थ्री चेक बॉक्स लेना है और एक ओके बटन लेना है. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो स्क्वायर है वो हमारा चेकबॉक्स का सिंबल है. सो रेडियो बटन में राउंड शेप था, यहाँ पे चेकबॉक्स में आप लोग देख सकते हो स्क्वायर वाला जो सिंबल दिया हुआ है. और रेडियो बटन है वो एट अ टाइम एनी वन ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोग एक से ज़्यादा एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हो. सो वी कैन से एज वी कैन सिलेक्ट मोर देन वन चेकबॉक्स एट अ टाइम. ओके, सो यहाँ पे मैंने थ्री चेकबॉक्स लिया हुआ है पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक लेबल लिया हुआ है और वो लेबल में मैंने राइट डाउन किया है विच लैंग्वेज यू कैन रीड आइदर राइट. सो यदि आप लोग ये तीनों लैंग्वेज रीड और राइट कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोगों को टिक मार्क करना है. और टिक करने के बाद यदि मैं ओके पे प्रेस करूँगी तो मुझे मैसेज में मिलना चाहिए ओके यू कैन ऑल्सो रीड एंड राइट दिस लैंग्वेज. ओके, सो दिस टाइप ऑफ मैंने जो मैसेज यहाँ पे आप लोगों को दिखाया उस तरह का मुझे पॉपअप बॉक्स मैसेज बॉक्स में मैसेज मिलना चाहिए. सो ये वाला जो है ये उसका कोडिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इस तरह का कोडिंग किया हुआ है चेकबॉक्स बटन कंट्रोल के लिए. सो आप लोगों ने जो ओके बटन लिया हुआ है डिज़ाइनिंग में वहाँ जाके आप लोगों को डबल क्लिक प्रेस करना है ओके बटन पे. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चेकबॉक्स, ये मेरा फॉर्म है जो बाई डिफ़ॉल्ट मैंने जो फॉर्म का नेम चेंज किया हुआ है. सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है और ये मेरा क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट होगा ही. यहाँ पे भी आप लोग जो इवेंट देख सकते हो बटन वन अंडरस्कोर क्लिक, ये मेरी बटन की इवेंट है और इस तरह का कोडिंग है चेकबॉक्स कंट्रोल के लिए. सो लेट्स स्टार्ट, अब हम लाइव परफॉर्म करके ही देख लेते हैं. सो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सर्च में मैं विजुअल स्टूडियो जो है हमारा सॉफ्टवेयर
उसे ओपन करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विजुअल स्टूडियो 2015, वो आप सभी को ओपन करना है और वहाँ जाकर आप लोगों को ये वाला जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करना है। ये जो चेकबॉक्स कंट्रोल है वो GTU की एग्ज़ाम में आस्क होता ही है, और अभी जो हमारे 2021 में एग्ज़ाम जो आएगी वो एग्ज़ाम में भी हमारा ये चेकबॉक्स कंट्रोल का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी आने वाला है। सो आप लोग ये देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया आएगा कि किस तरह से चेकबॉक्स कंट्रोल परफॉर्म होता है, और यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आस्क होता है तो किस तरह से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सो यहाँ पे मेरी ये ऑलरेडी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है, मैं यही ओपन कर लेती हूँ। और यदि आप लोगों को ये नहीं चाहिए रिसेंट वाली, तो मैंने अगले वीडियो में भी स्टेप्स दिखाए हैं आप लोगों को किस तरह से आप लोगों को न्यू विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। आप लोग यहाँ फाइल है वहाँ जाकर न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके भी आप लोग अपनी नई विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, इसलिए मैंने रिसेंट में से ही ओपन कर लिया है। सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन के साथ ओपन हो रहा है। थोड़ा सा ओपनिंग होने में लोड लेगा, लेकिन डोंट वरी, ओपन आराम से हो जाएगी हमारी फाइल। ओके, सो यहाँ पे मेरी प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, ओपनिंग प्रोजेक्ट मेरा जो दीपिका प्रजापति का है वो ओपन होने में। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फॉर्म जो है ये वाला दीपिका प्रजापति वो ओपन हो चुका है। सो अब हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लेबल लेना है। सो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक लेबल ले लेती हूँ, और ये लेबल में मुझे क्या राइट डाउन करना है, यहाँ उसकी जो प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हो लेबल वन, सो वहाँ जाकर मुझे लिखना है विच लैंग्वेज यू कैन रीड आइदर राइट। ओके, सो ये वाला मेरा लेबल है उसमें मैंने दिया हुआ है विच लैंग्वेज यू कैन रीड और राइट। तो अब हम क्या लेंगे, चेकबॉक्स लेना है। सो यहाँ से मैं तीन चेकबॉक्स है वो ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हो मैंने तीन चेकबॉक्स यहाँ पे ले लिया हुआ है, और ये तीनों चेकबॉक्स जो है वहाँ मैं अभी नेम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लैंग्वेज डाल देती हूँ। सो हमारी पहली लैंग्वेज जो है यहाँ जाकर टेक्स्ट बॉक्स चेकबॉक्स की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ मैं लिख देती हूँ इंग्लिश। ओके, सो ये वाली जो मेरी पहली चेकबॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ पे मैं इंग्लिश राइट डाउन कर देती हूँ। सेकंड वाली जो हमारी चेकबॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ जाके मैं दूसरी लैंग्वेज राइट डाउन करती हूँ गुजराती। एंड थर्ड वाला जो हमारा चेकबॉक्स है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ जाके मैं राइट डाउन करती हूँ हिंदी। सो ये वाला हमारा डिज़ाइनिंग पोर्शन अभी थोड़ा सा रिमेनिंग है, एक बटन लेना बाकी है। सो यहाँ से मैं बटन भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मेरा बटन भी आ चुका है, और यहाँ जाके उसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज करके यहाँ बटन ले लेती हूँ ओके बटन। सो अभी मेरा जो डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन है वहाँ पे यहाँ आप लोग देख सकते हैं फॉर्म वन, सो मेरी फॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वहाँ जाके भी मैं उसका नाम चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये नेम फॉर्म वन है, सो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर लेती हूँ चेक बॉक्स।
बिकॉज ये वाली जो मेरी अभी कोडिंग है वो किसके लिए है, चेकबॉक्स कंट्रोल के लिए है. सो यहाँ पे मैं चेकबॉक्स ले लेती हूँ. सो ये वाला मेरा फॉर्म आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लेबल लिया हुआ है, 3 चेकबॉक्स लिया हुआ है और ओके बटन लिया है. और अब मैं कोडिंग करने जा रही हूँ और मुझे कोडिंग इस तरह का चाहिए कि यदि मैं इंग्लिश पे क्लिक करती हूँ तो मुझे मैसेज बॉक्स में मिलना चाहिए यू कैन रीड और राइट बोथ. यदि मैं गुजराती पे सिलेक्ट करती हूँ सो उसमें भी मुझे मैसेज बॉक्स में मिलना चाहिए ओके यू कैन रीड एंड राइट बोथ. एंड मैं हिंदी पे सिलेक्ट करती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे मैसेज बॉक्स में मिलना चाहिए यू कैन रीड एंड राइट बोथ. ओके सो इस तरह का कोडिंग अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. सो मैं ओके पे डबल क्लिक करूँगी तो व्हेनेवर यू ऑल क्लिक ऑन ओके बटन देन यू हैव टू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ इवेंट फॉर द बटन कंट्रोल. सो आप लोग इस तरह का बटन कंट्रोल की इवेंट है वो बाय डिफॉल्ट ऑब्टेन करेंगे. सो यहाँ पे अब कोडिंग स्टार्ट करती हूँ. तो पहले मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करती हूँ और हमारा जो पहला चेकबॉक्स कंट्रोल है इफ़ चेकबॉक्स 1.check. यदि मेरा पहला चेकबॉक्स वाला जो चेक होगा उसकी वैल्यू ट्रू होगी सो मुझे मैसेज बॉक्स में मिलना चाहिए. सो मैं राइट डाउन करूँगी मैसेज बॉक्स, वहाँ पे मुझे इस तरह का मैसेज मिलना चाहिए ओके यू कैन रीड एंड राइट. इसका मीनिंग यदि मेरी जो पहला चेकबॉक्स वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश की है. यदि मैं उस चेकबॉक्स को टिक मार्क करती हूँ दैट मीन्स चेक करती हूँ तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए ओके यू कैन रीड एंड राइट. अदरवाइज सेकेंड कंडीशन मैं यूज़ करती हूँ एल्स इफ़ में मैं यदि सेकेंड वाला जो चेकबॉक्स है वो यूज़ करती हूँ चेक करती हूँ सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ चेकबॉक्स टू डॉट चेक देन यू हैव टू इनिशियलाइज विथ वैल्यू ट्रू देन मुझे उसमें मैसेज बॉक्स में मिलना चाहिए इस तरह का मैसेज सेम जो हमने पहले चेकबॉक्स में लिया हुआ है ओके. सो ये वाला जो है वो मैं कॉपी करके ही राइट डाउन कर देती हूँ. यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ. और यदि ये दोनों है और यदि हमारा चेकबॉक्स 1, 2 के सिवा हमारा चेकबॉक्स 3 सिलेक्ट होता है सो यहाँ पे मैं एल्स पोर्शन में लिख देती हूँ एल्स चेकबॉक्स 3 यदि सिलेक्ट होता है तो मुझे एल्स में डायरेक्टली मैसेज बॉक्स में ये मैसेज मिलना चाहिए. मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स में एक मैसेज पास किया है वो मैं मैसेज में लिखती हूँ ओके आई अंडरस्टैंड ओके आई अंडरस्टैंड यू कैन रीड एंड राइट बोथ. इस तरह का मुझे मैसेज मिलना चाहिए यदि मैं थर्ड वाला चेकबॉक्स क्लिक करती हूँ तो. सो ये मेरा कोडिंग का पोर्शन जो है वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है और ये मेरा जो डिजाइनिंग वाला पोर्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो अब मैं क्या करूँगी उसको रन करने वाली हूँ. सो यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ. सो आप लोग स्टार्ट पे क्लिक होने के बाद देख सकते हो यहाँ जो मेरा टास्क बार है उसके ऊपर मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है आप लोग देख सकते हो और यहाँ भी लिखा हुआ है बिल्ड स्टार्टेड. सो इसका मीनिंग है मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है, सक्सीड हो चुका है. यहाँ पे मुझे अब मेरा आउटपुट मिलने वाला है. सो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी स्क्रीन अभी लोड ले रही है लेकिन मेरा आउटपुट जल्द ही यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा. सो यहाँ मेरा धीरे धीरे से आउटपुट शो होने वाला है. सो सी यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है वो
अभी शो नहीं हुआ है, ये तो मेरा ऑलरेडी डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन है, लेकिन इस तरह का आउटपुट मुझे यहाँ पर ही मिलेगा। सो थोड़ी देर में मेरा आउटपुट जो है वो आ जाएगा मेरी स्क्रीन पे। सी सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा आउटपुट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ाइनिंग के साथ आ चुका है। अब मुझे उसको रन करना है। सो क्या करेगी, पहले मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करती हूँ इंग्लिश, और उसके बाद मैं ओके बटन पे क्लिक करती हूँ। सो यहाँ पे मुझे मैसेज बॉक्स मिल गया है, दीपिका प्रजापति ओके यू कैन रीड एंड राइट। सो ये मुझे ये कह रहा है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज रीड और राइट कर सकते हो। यदि मैं एट ए टाइम इंग्लिश तो मैं रीड राइट कर ही सकती हूँ, लेकिन मुझे गुजराती भी आती है, सो मैं दूसरा वाला भी सिलेक्ट करती हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एट ए टाइम मैं इंग्लिश गुजराती भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने गुजराती पे क्लिक किया सो इंग्लिश में से गायब हो गया। सो इसका मीनिंग क्या है, आप लोग एट ए टाइम मोर देन वन सेलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे गुजराती पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ओके करती हूँ, तो इसका मीनिंग है ओके यू कैन रीड और राइट बोथ गुजराती लैंग्वेज। हिंदी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, सो यहाँ पे हिंदी पे भी आ गया ओके यू कैन रीड एंड राइट बोथ। सो इस तरह से एट ए टाइम आप लोग मोर देन वन लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने चाहते हो तो आप चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो। सो ये वाला जो क्वेश्चन है वो GTU के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और GTU के एग्ज़ाम में बारी बारी से ये क्वेश्चन आता है। सो इस तरह का क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सो आप लोगों को पहले मैंने दिखाया उस तरह से डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करना है, उसका प्रॉपर्टी का टेबल जो है वो ड्रॉ करना है, उसका इवेंट का टेबल ड्रॉ करना है। इवेंट का टेबल ड्रॉ हो जाने के बाद आप लोगों को एग्जाम्पल करके इस तरह का डिज़ाइनिंग पहले बनाना है। डिज़ाइनिंग बनाने के बाद आप लोगों को इस तरह का कोडिंग दिखाना है यहाँ से लेके एंड क्लास तक। सो इस तरह से आप लोगों को कोडिंग भी अपने पेपर में राइट डाउन करना पड़ेगा, और कोडिंग के बाद आप लोगों को यहाँ से मैं रन करती हूँ। सो इस तरह का आउटपुट जो आप लोग देख सकते हैं वो इस तरह से आप लोगों को आउटपुट भी दिखाना है। सो तभी आपका जो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आस्क हुआ है उसका आंसर कंप्लीट कहवाएगा। सो वैन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन GTU एग्ज़ाम देन यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ आंसर फॉर चेकबॉक्स कंट्रोल। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे YouTube कमेंट में भी कह सकते हो, WhatsApp ग्रुप जो हमारा क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे भी आप लोग कह सकते हो, Google Classroom में भी आप लोग कह सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।